उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किसके बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी को किसने दी खुली बहस की चुनौती? और बीएसपी चीफ मायावती ने यूपी की बीजेपी सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं? चुनावी राज्यों में बचे चुनावी संग्राम से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी, जबकि यूपी के दूसरे चरण के लिए 9 जिलों की 55 सीटों पर भी कल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यूपी में 7 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग सभी सीटों पर निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव के लिए तैयारियों में जुटा है। यूपी के कन्नौज की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी को गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक लोग माफियावादियों और दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपी जानता है कि एक बार फिर योगी आएंगे, लेकिन पिछली बार से कितनी ज्यादा सीटें आएंगी मुकाबला इसे लेकर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की जमीन खिसक रही है, तभी वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा था कि हमारी सरकार बनने पर शपथ ग्रहण करते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड के कोटद्वार में यूपी के सीएम योगी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि जिनकी खुद की पहचान संदिग्ध है, उनके मुंह से हिंदू की परिभाषा सुनकर हैरानी हुई। उन्हें बताया जाना चाहिए कि उनके परनाना खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। जिनके पूर्वजों को हिंदू होने पर गर्व नहीं होता, वो हिंदू की परिभाषा बताएं, ये ठीक नहीं है। यूपी में बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बहस की खुली चुनौती दी कि वो बहस करे तो हम बताएंगे कि देश की जो भी आज बड़ी समस्याएं हैं, वो कांग्रेस और गांधी परिवार की देन है। ब्रिजभूषण शरण ने ये बयान राहुल गांधी के पीएम मोदी के इतिहास न जानने वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा। यूपी के बदायूं में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के छोटे नेता छोटे झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़े झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को झूठों की पार्टी करार दिया है। अखिलेश के मुताबिक जब से इनकी सरकार आई है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, और अगर दोबारा बीजेपी की सरकार आई तो पेट्रोल 200 रुपए में मिलेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने औरैया में जनसभा को संबोधित करते हुए एसपी को गुंडों की सरकार बताया और बीजेपी सरकार पर ब्राह्मण और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल करेंगी। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के पीएम के हेलीकॉप्टर से पंजाब दौरा करने के बयान पर पलटवार करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब में स्थिर सरकार के लिए उन्हें कम से कम 80 सीटें चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी भी राज्य का दौरा करेंगे, लेकिन अभी उनका कार्यक्रम तय नहीं है। मणिपुर की 60 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।